गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर इज 8 एंड टॉपिक इज क्रिया। क्रिया मीन्स वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया मीन्स करना, कुछ कार्य करना, कुछ काम करना, जो भी कर सक जो भी करते हो घर पे, पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, दौड़ना, नहाना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, कुछ भी आप जो काम करते हो, काम कोई भी काम करने को हम क्या कहते हैं, क्रिया मतलब वाह। ठीक है, कुछ भी जो काम आप कर सकते हो वो करते हो, वो होता है क्रिया। ओके, जैसे यहाँ पे देखो सूर्य उदय हो रहा है, मतलब सूर्य एक काम कर रहा है, कौन सा काम, उदय होना, तो उदय होना हो गया आपका क्रिया। जैसे किशन हल चला रहा है, किशन क्या कर रहा है ना, हल चला है, तो हल चलाना तो ये हो गया एक क्रिया। जैसे अंकुर पुस्तक पढ़ रहा है, अंकुर क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो पढ़ना ये हो गया आपका क्रिया। नेक्स्ट क्या है, रोनित क्रिकेट खेल रहा है, रोनित क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो खेलना, खेलना भी एक क्रिया हो गया। फिर क्या, प्रिया साइकिल चला रही है, तो प्रिया क्या कर रही है ना, चला रही है, तो क्या, साइकिल चला रही है, तो चलाना हो गया आपका क्रिया। नेक्स्ट क्या है, घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो दौड़ना ये हो गया आपका क्रिया। जैसे ये देखो, उदय होना, हल चलाना, पढ़ना, खेलना, फिर चलाना, दौड़ना, ये सारी चीज़ हो जाता है किसके अंदर में, इसको हम बोलते हैं क्रिया। जैसे देखो सोना, एक सो रहा है, तो ये भी एक क्रिया हो गया। फिर नहाना, रोना, भागना, खाना, बैठना, बनाना, पढ़ना, नाचना, ये सारे क्रिया के उदाहरण हैं। ओके, हम प्रतिदिन अलग अलग कार्य करते हैं, अतः हर तरह का काम क्रिया होते हैं। क्रिया एक तथा एक से अधिक शब्द को ही कैसे, क्या बोला है, क्रिया एक तथा एक से अधिक शब्द की हो सकती है। ओके, जैसे कि देखो, बच्चा रोया, एक बच्चा रोया और बच्चे गाना गा रहे हैं, तो तीनों बच्चा मतलब यहाँ पे जो बच्चे बोला है, बच्चे मतलब बहुत सारे हो गया, गाना गा रहे हैं मतलब यहाँ पे मतलब क्या बोला, क्रिया एक तथा एक से अधिक शब्दों की हो सकती है। मतलब यहाँ पे देखो एक से अधिक है, तो तीनों बच्चों एक साथ क्या कर रहा है, एक क्रिया कर रहा है, कौन सा क्रिया ना, गाना गाना, तो ये हो गया आपका क्रिया एक से अधिक शब्दों में भी हो सकता है। ओके, इन वाक्यों में देखो, रोया एक शब्द की क्रिया तथा गा रहे हैं, मतलब एक बच्चा है तो गा रहे हैं, अधिक शब्दों की क्रिया जैसे वाक्य के अनुसार के रूप भी बदलते हैं, अधिक शब्द एक से अधिक, जैसे बच्चे तो इसका भी हो गया रोए रहे। ठीक है, जैसे ये चेंज हो जाता है तो इसके साथ साथ क्रिया भी चेंज हो जाता है। तो आज का टॉपिक क्या था, आज का टॉपिक था क्रिया, मंस मीन्स वाक। ठीक है, क्रिया मतलब होता है किसी भी काम करने या होने का बोध करने वाले शब्दों को ही हम क्रिया कहते हैं। किसी भी, कुछ भी हो सकता है, उसमें काम करने या होने का बोध करने की जो शब्द होते हैं उसको ही हम बोलते हैं क्रिया। तो ये चैप्टर हमने पढ़ लिया, अब हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे पहले होता है टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ ऑप्शंस में से आपको जो सही है उसको आपको टिक करना है। जैसे हाथी सो रहा, इसमें क्वेश्चन क्या है, सही क्रिया विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। हाथी सो रहा है, यहाँ पे क्रिया कौन है, हाथी सो या सो रहा है, सो रहा है, तो ये सोना, ये जो हो गया सोना, तो ये हो गया क्रिया, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, तो सी को आप टिक लगाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्रिकेट खेलें, तो खेलें हम क्रिकेट, कौन सा क्रिया है, खेलना, यहाँ पे खेलना, तो आप इस खेले को आप टिक लगाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ता तेज भौंका, यहाँ पे क्रिया कौन है, भौंकना क्रिया है, तो भौंकना, इसमें हमने भौंका को हमने टिक लगाया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलअप्स, है फिलअप्स कैसे करोगे, आपकी राइट साइड में कुछ क्रिया दिया है,
इस क्रिया को चेंज करते हुए वाक्य के साथ कैसे लगेगा उसको आपको करना है। जैसे बंदर पेड़ पर कूदना रहा है ना, बंदर पेड़ पर कूद रहा है, तो इस कूद से ही कूदना होता है। तो ये जो सेंटेंस में जो कूदना जब यूज़ होगा सेंटेंस के अंदर, तो ये कूद हो जाएगा। और इसको जो अलग से बोलते हैं तो क्रिया क्या कर रहे थे ना, बंदर क्या क्या कर रहा था ना, कूद रहे थे मतलब कूदना हो गया क्रिया, तो बंदर पेड़ पर कूद रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे पतंग क्या है, उड़ाना है, तो उड़ाना आप लिखोगे इसके साथ ठीक सूटेबल नहीं हो रहा है, तो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो मतलब उड़ाना, उड़ा मतलब उड़ाना, ये एक ही है क्रिया। तो जब ये जो क्रिया जब वाक्य में यूज होता है तो इसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पिताजी कुर्सी पर बैठे हैं, बैठे से हो गया बैठना, तो बैठे हैं। माताजी रसोई में खाना पका रही हैं, तो पकाना, तो पकाना था तो इसमें हो गया पका। अजय और विजय सुबह सैर पर जाते हैं, तो जाना, तो जाते और जाना इसको कब यूज मतलब कब चेंज हो जाता है ना, जब हम इसी क्रिया को वाक्य में यूज़ करते हैं तब तो वो चेंज होके यूज होता है। ओके, अब आता है नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द पर गोला लगाओ। क्रिया जो है इसमें कुछ वाक्य हैं, उसमें से जो क्रिया है आपको उसमें गोला भरना है। जैसे मीरा बहुत अच्छा नाचती है, देखो नाचना एक क्रिया कर रहा है, तो क्रिया हम नाचने में गोला लगाया। अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाना एक क्रिया है, तो इसलिए पढ़ाते में हमने गोला बनाया है। हलवाई मिठाई बनाता है, तो बनाता, तो बनाना, जैसे मम्मी खाना पकाती है, पकाना बनाता, तो ये बनाना हो गया आपका एक क्रिया, इसलिए हमने इसमें गोला लगाया। नदी बह रही है, बहना मतलब एक काम कर रहे, क्रिया कर रहे, तो बह, तो ये हो गया आपका क्रिया, तो इसलिए हमने इसमें सर्कल किया। बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है, तो दौड़ना क्रिया है, तो दौड़ के इसलिए हमने इसमें गोला लगाया। माली पौधे को पानी देता है, तो देना, तो देना कुछ काम कर रहे तो देता, इसलिए हमने इसमें गोला लगाया। नेक्स्ट पेज में क्या है, नेक्स्ट पेज में देखो कुछ यहाँ पे दोनों कलम है, दोनों कलम को आपको मैच करना है। सेंटेंस एक साइड में कुछ है और दूसरी सेंटेंस एक साइड में एक शब्द है और दूसरी साइड में उसकी क्रिया दिया है, तो कौन सा शब्द कौन सी क्रिया के साथ शूट होता है आपको उसके मैच करना है। ओके, जैसे बगीचे, बगीचे के साथ क्या होगा ना, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, तो आप इसमें लाइन्स ड्रॉ करते हुए भी आप मैच कर सकते हो या नंबर पुट करते हुए भी आप लिख सकते हो। ओके, हमने तो नंबर को पुट किया है, जैसे यहाँ पे वन है, वन के साथ ये थ्री को मैच हो रहा है, तो थ्री में हमने वन को डाल दिया, ऐसे भी कर सकते हो या आप यहाँ पे इस नंबर को भी लिख सकते हो। ओके, हाथी चिंगर रहा है, तो दो नंबर हमने इसमें ले लिया। क्या मैं सदा सच बोलता हूँ, नंबर थ्री है, तो इसमें हमने थ्री नंबर डाल दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आसमान क्या हो रहा है, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, तो देखो ये चार है, तो चार के साथ मैंने इस सेंटेंस को मैच कर दिया। नेक्स्ट है सीमा स्कूल जा रही है, तो लास्ट ये फाइव है, तो मैंने फाइव के साथ मैच किया। ओके, तो आप ऐसा कर सकते हो या लाइन को ड्रॉ करते हुए कर सकते हो। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र को देखकर सही क्रिया का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। देखो यहाँ पे मोर क्या कर रहा है, एक क्रिया के साथ बोलना है, तो आप क्या लिखोगे ना, मोर नाच रही है, तो यहाँ पे हमने मोर नाच रहा है, तो रहा, मोर हो गया आपका पुंगलिंग, तो रहा होगा, मोरनी होगा तो रही होगा, तो मोर नाच रहा है, तो हो गया। ये क्या है, गाय क्या कर रहे हैं, घास खा रही है, तो गाय घास खा रही है, गाय स्त्रीलिंग है तो रही, तो गाय घास खा रही है। ये देखो कुम्हार बर्तन बना रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, कुम्हार बर्तन बना रहा है, तो ये देखो इसके साथ चित्र के साथ ये क्या कर रहा है उसको आपको वाक्य में लिखना है। ओके, अब आता है यहाँ पे कुछ शब्द पहले दिया गया है, इसमें से आपको 10 क्रिया को ढूंढना है। ओके, और उसको आपको गोला बनाना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, एक मैंने मेरे को मिला, यह है लिखना, ये देखो
लिखना, ओके, ये हमें एक क्रिया हो गया। फिर हो गया मलना, ये भी दूसरा क्रिया हो गया। फिर है हंसना, ये और एक क्रिया हो गया। फिर पढ़ना, ये और एक क्रिया। दौड़ना एक क्रिया, रोना क्रिया, बोलना क्रिया, नहाना क्रिया, फिर खेलना क्रिया, फिर गाना ये भी क्रिया। तो देखो 10 हो गया ना, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपको बोला है दी गई वर्ग पहली में से 10 क्रिया शब्द छांटकर गोला बनाओ। तो मैंने 10 शब्द किया, आप भी अपने इस बुक पाठ में इसको अच्छे से करोगे। ये जो भी है अभी तक हमने जितना पढ़ा है, ये सारे के सारे इस एक्सरसाइज को बुक में ही फिलअप करना है, ओके, और नीट एंड क्लीन करोगे और इसको रीड आउट और लर्न भी करना है, ओके। अब आता है नोटबुक में। नोटबुक में क्या करना है, नोटबुक में मैंने एक ही क्वेश्चन बनाया, सबसे पहले चैप्टर 8 और उसके नाम क्रिया। क्या है क्वेश्चन, क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। किसी भी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे सूर्य उदय हो रहा है, तो ये उदय होना क्रिया है। नेक्स्ट क्या, प्रिया साइकिल चला रही है, जो चलाना, ये जो चला रही है तो चलाना क्रिया है। तो ऐसे करके मैंने एक ही क्वेश्चन बनाया, आप भी नोटबुक में इसको नीट एंड क्लीन लिखोगे और लर्न भी करोगे, ओके। तो आज हमने ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में हमने क्रिया पढ़ा, जाना किसको बोलते हैं क्रिया, कौन सा क्रिया होता है, क्रिया का रूप क्या क्या होता है, ये सारे हमने इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ा। आप भी घर पर इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करोगे, लर्न करोगे, उसके बाद आप लिखोगे, ओके। थैंक यू।